अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर राफिया। और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप अब आजकल बहुत ज़्यादा सुन भी रहे हैं, एंड होपफुली आप उसके ऊपर जो है वो एक्ट भी कर रहे हैं। अपनी प्रिवेंशन, कोरोना वायरस से प्रिवेंशन, बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। हर तरह से आप अपना ख्याल कीजिए, हर हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको अपना और अपने घर वालों को कैसे सेफ करना है। और ऑफ कोर्स जब आप घर में रहेंगे तो आपकी सराउंडिंग भी आपसे सेफ रहेगी और आप भी सराउंडिंग से सेफ रहेंगे। घर पे रहिए, बिला ज़रूरत बिल्कुल भी बाहर मत जाइए, मतलब बिल्कुल भी बाहर मत जाइए। जितना आप बाहर जाएंगे उतने चांसेस हैं इस चीज़ के बाहर फैलने के, आप खुदा न खास्ता आपके इफेक्ट होने के भी, और लोगों से आपको आपके इन्फेक्ट होने के भी। सो यू नो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, वन। दूसरा, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सिर्फ मास्क पहना नहीं, ग्लव्स भी, इसलिए बिकॉज ये हाथ हम सारा वक्त मुंह पे लगाते हैं। जब ग्लव्स पहने हुए होंगे तो ये हाथ हमारे मुंह पे नहीं लगेगा, और अगर कहीं ये हाथ ऐसी डर्टी किसी ऐसी जगह पे लग भी गया तो वो ग्लव्स उतार के फेंक देंगे, तो आपका हाथ जो है वो साफ रहेगा। सैनिटाइज कीजिए, हाथ को धो के रखिए, नेल्स को कट रखिए, साफ रखिए। देखिए मैंने बिल्कुल कट किए, मैं साफ किया, मैं नेल्स को कट करके साफ करके रखिए। जितना 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 हो सके घर में रहिए, हर चीज़ को डिसइंफेक्ट करके रखिए। घर से बाहर जो आमदरफ्त है उसको रोक के रखिए। आपके घर में जो मेड्स आ रहे थे उन सबको आप छुट्टी दें, बिल्कुल छुट्टी दें। वो सारे काम आप खुद करें, उनको अंदर बाहर होने ना दें। घर में, घर से अंदर बाहर किसी को भी होने ना दें। और अगर घर से अंदर बाहर कोई होता है तो उसको उस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि जैसे ही वो घर पे आए तो कपड़े, वो सब चीज़ें जो है वो फ़ौरन धुलने जाए, वो खुद पूरा पूरा नहाए, बाल उसके शैम्पू हो और हाथ पाँव सो सब सब कुछ अच्छे से साबुन से उसका धुला हुआ हो। बड़ों के पास और 5 साल से कम उम्र बच्चों के पास, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, 50 साल से ऊपर और 5 साल से कम उम्र बच्चे, इनकी इम्यूनिटी कम होती है, इन के अपना एक्सपोजर बहुत कम रखिए। वो ग़िज़ाएँ खाएं जिससे इम्यूनिटी जो है यानी आपकी कुव्वत मुदाफ़ा जो है वो बढ़ती है। ऐसी सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में, अपनी और बच्चों की डाइट में शामिल कीजिए। पैनिक नहीं कीजिए, घबराइए नहीं। ये 2 हफ्ते का वक्त है, सुकून से गुजारिए। अपना घर साफ कीजिए, डेकोरेट कीजिए, वार्डरोब अरेंज कीजिए, घर की कोना कोना चमका दीजिए, और घर के कामों में हाथ बटाइए। नया कोई स्किल सीखिए, कोई लैंग्वेज सीखे, वोकैबलरी सीखें, कोई ऑनलाइन अर्निंग की बहुत चीज़ें हैं वो कीजिए। बहुत, देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू वाइल सिटिंग एट होम। घर से काम भी किया जा सकता है और आराम से किया जा सकता है। तो सारी चीज़ें जो हैं ये आपको भी सेफ रखेंगी, आपकी सोसाइटी, आपके हमारी सोसाइटी और हमारी सराउंडिंग्स को भी सेफ रखेंगी। अपना ख्याल रखेंगे तो सबका ख्याल रखा जाएगा। थैंक यू सो मच।